पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक जनमित्र फाउंडेशन की स्थापना की और उस जनमित्र फाउंडेशन के माध्यम से इतने सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये चितलून और जहाँ पर भी महाड़ है, जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है वहाँ पर भेजने का प्रयास हो रहा है। मैं सवेरे से चौथे कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अभी शाम को और एक चारकोप में कार्यक्रम है। यानी बोरेली में इतने सारे लोगों ने बहुत ही कम समय में मिलकर यह कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम को देखकर मैं भी प्रभावित हुआ। तो पोइसा जिमखाना जो हमारी संस्था है उसमें से हमने 5 लाख रुपए का और उनको मदद जाहिर किया। हमारे बोरेली में प्रवीण भाई शाह नगर सेवक है, बिना दोषी है, इनके 27 जैन संगाई का टीम है। तो हमने उनको कहा कि मैं साउथ इंडियन सांसद बना हूँ, तुम लोग गुजराती नगर सेवक बने हो, मुंबई शहर में महाराष्ट्र के लोगों ने हमको इतना बड़ा बनाया है, तो संकट के समय पर हमने उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। तो वो आने वाले दिनों में और 10 लाख रुपये का सामान इकट्ठा करके वहाँ पर भेजने वाले हैं। कुल मिलकर कहने का प्रयास ये है कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और हमारे कार्यकर्ता स्वयं मन से इस प्रकार का काम करते हैं। कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, काम का सारा बंद पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इतने कम समय में इतना सारा खड़ा करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जनमित्र, आखिर जनमित्र फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। मेडिसिन भी है, कपड़े है, ब्लैंकेट्स है, और जाने के बाद में उनको और क्या चीज़ की आवश्यकता ये उसका पता करके आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता सब जा रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट में भरकर ऐसा ही नहीं भेज रहे, तो कार्यकर्ता जाकर स्वयं अपने हाथों से वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और क्या चीज़ की आवश्यकता है उसका भी पता करेंगे, फिर सेकेंड लॉट में वो भेजने का प्रयास। खासदार गोपाल सेट्टी जी का मैं बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनमित्र के सभी पदाधिकारी मिलकर, हमारे सभी नगर सेवक मिलकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। जो आज महाड़ में अतिवृष्टि हुई है और आज जो कोकण के अंदर जो अतिवृष्टि हुई और उसके पहले भी जब हुई है, तब गोपाल सेट्टी जी ने पहले भी बहुत सामान भेजे थे। आज भी मैंने पूरा देखा, यहाँ तो देखा कि बहुत तरह तरह का सामान है जो लोगों को जीवन उपयोगी है। इसके लिए मैं संस्था के और गोपाल सेट्टी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। संस्था का मकसद क्या है और क्या जरूरत पड़ी कि इस संस्था को आपने बनाया? देखिए, ऐसा है कि बोरीवली में गत 40-42 साल से गोपाल सेट्टी जी और उनके पहले राम भाऊ जी, ऐसे सब निरंतर काम चलता आया है। गोपाल सेट्टी जी की जो संस्था है, जिस वास्तु में हम खड़े हैं, युवक मंडल, उसको अभी 54 ईयर्स हुए हैं और उसी वास्तु में हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं। मित्रों, ऐसा है कि जनमित्र ये पूरे बोरेली भर में है। हमने लोकमान्य तिलक नगर में काम शुरू किया, यहाँ ज़्यादातर झुग्गी बस्ती थी, तकरीबन 2000 झोपड़ों की बस्ती थी, उसको छोटे छोटे नल, पानी, टॉयलेट्स, ऐसे काम करते करते साहब ने शुरुआत की और आज यहाँ पर ये स्थिति है। जनमित्र फाउंडेशन ऐसे जो काम है जो पूरे महाराष्ट्र में पहुँचने हैं या जो और जगह पर जो काम करने हैं, इसके लिए जनमित्र की स्थापना हुई है। हमारा ब्रीद वाक्य है कि मदतीची मित्राची साथ मदतीची हाक, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो हम सब मित्र मिलकर जनों को, जनता को मदद करने के लिए खड़े होंगे और हम सबका जो मार्गदर्शन है वो हम सबके नेता गोपाल सेट्टी जी करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम आगे चलते रहते हैं। ऐसा है कि अतिवृष्टि के बाद कोकण में जो हालात बने उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बोरेली विधानसभा के कार्यकर्ता और जनमित्र फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने दूसरे ही दिन यह सारी शुरुआत की और अच्छा भी लगता है कि सारे कार्यकर्ता इस माध्यम से जुड़े, दानीदाताओं से संपर्क किया और आज आप देख रहे हैं कम से कम ये 10 लाख रुपये का सामान आज यहाँ कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोकण में जाएगा। ये हम सामान जिन्हें ज़रूरत है सीधा उनके हाथ में देने का हम काम करेंगे और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, तो इसमें जिनके पूरे घर बह गए उन्हें जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। जो महिलाओं को भी चीज़ें आवश्यक लगती है उनका भी इसमें अंतर्भाव है। ये सारी चीज़ें आने वाले 2-3 दिन में कोकण में जिन्हें आवश्यकता है उनके घर तक पहुँच जाए। शहर का आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी बोरेली और यहाँ पर जो भी पोइसर जिमखाना नाम की संस्था है, हमेशा कोई भी इस तरह का विषय आता है तो आगे बढ़ चढ़कर हम काम करते रहते हैं। इस बार जनमित्र फाउंडेशन, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक संस्था बनाई, उस
संस्था ने जैसे ही बाढ़ प्रभावित इलाके से ये खबर आई कि वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही यहाँ बोरेली के लोगों को अपील की गई और उस अपील को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए यहाँ की जनता ने यहाँ लाकर बहुत सारा सामान दिया। तो अनाज तो बहुत सारा आ गया, मतलब 10 टन तक का अनाज यहाँ पर आया, आटा चावल इस तरह का सारा सामान। उसके बाद कल्पकता से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर का एक किट होता है जो ऐसे समय पर बहुत आवश्यक होता है, पैरासीटामोल जैसी गोली, क्लोसिन जैसी गोली, ऐसा एक किट भी बना दिया डॉक्टर सांगोड़े करके हमारे जो उन्होंने, और साथ ही कुछ कपड़े भी, क्योंकि वहाँ पर डस्टर से लेके सारी चीज़ों की कमी है, बरमूडा नहीं है, किसी को पहनने के लिए कुछ नहीं है, सारा कुछ कीचड़ में बह गया है और बाढ़ के उस प्रभाव से, तो उसके लिए कपड़े की भी व्यवस्था की गई है। इस तरफ भारी मात्रा में यहाँ से मदद कर लेकर हमारे सारे कार्यकर्ता जो जनमित्र फाउंडेशन के हमारे महेश रावत जी है, ईश्वर चित्राव जी है, उसके बाद में हमारे दीपक पाटनेकर जी है और बहुत सारे सुनील मोहिते हैं, सब सारे गणेश बारे, ये सब मिलकर वहाँ पर जाने वाले और प्रत्यक्ष वहाँ जाकर वो राहत की जो सामग्री है वो लोगों तक पहुँचाने का काम